नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ये तो पता होगा कि हिंदू धर्म में मंदिर जाने पर और किसी भी शुभ कार्य के बाद चरणामृत जरूर दिया जाता है। भक्त इसे सीधे हाथ में लेकर फिर ग्रहण करते हैं। माना जाता है कि इसे ग्रहण करने से शरीर में मौजूद नकारात्मक शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। चरणामृत वो जल है जिससे देवी देवताओं के चरणों को धोया जाता है। हिंदू धर्म में इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। श्रद्धालु इसे माथे से लगाने के बाद ही ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे चरणामृत, जो यूं तो दिखने में सामान्य पानी की तरह होता है, लेकिन इसमें ऐसी शक्तियां होती हैं कि आप हर दिन मंदिर जाकर चरणामृत लेना चाहेंगे। तो आइए चरणामृत ग्रहण करने के फायदे जानते हैं। इसके फायदे बताने से पहले आपको बता दें, हमारे धार्मिक शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। शास्त्रों में एक श्लोक बोला गया है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यानी कि चरणामृत अकाल मृत्यु को हरने वाला है। भगवान विष्णु के चरणों का अमृत रूपी जल सभी तरह के पापों का नाश करने वाला है। तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई रामायण में भी कहा गया है कि वनवास के दौरान श्री राम नदी पार कर रहे थे तो उन्होंने नाविक से गंगा पार करवाने के लिए कहा। नाविक ने इसके उत्तर में कहा कि वो श्री राम के चरण धोकर उसे चरणामृत के रूप में ग्रहण करके अपनी सभी बाधाओं को पार करवा सकता है। ये भी कहा जाता है कि एक औषधि के समान है, जो चरणामृत का सेवन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। चरणामृत अध्यात्म के अनुसार तो लाभकारी होता ही है, इसके अलावा आयुर्वेद में भी इसका खास महत्व है। चरणामृत को इतना लाभकारी इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इसे हमेशा तांबे के बर्तन में रखा जाता है। तांबे में रखा जल शरीर के लिए गुणकारी माना जाता है। धार्मिक रूप से माना जाता है कि तांबे का बर्तन नकारात्मक शक्तियों को खत्म करता है। माना जाता है कि चरणामृत का सेवन अकाल मृत्यु को भी दूर करता है और सभी बीमारियों से मुक्त कराता है। इसके अलावा आयुर्वेद की माने तो चरणामृत स्वास्थ्य के लिए तो बहुत अच्छा माना गया है ही। आयुर्वेद के अनुसार तांबे में अनेक रोगों को नष्ट करने की क्षमता होती है। ये पौरुष शक्ति को बढ़ाने में भी गुणकारी माना जाता है। तांबे के बर्तन में चरणामृत रूप जल रखने से उसमें तांबे के औषधीय गुण आ जाते हैं, जिससे इसकी गुणवत्ता और भी बढ़ जाती है। चरणामृत में तुलसी पत्ता, तिल और दूसरे औषधीय तत्व मिले होते हैं। स्वास्थ्य लाभ के साथ ही साथ चरणामृत बुद्धि स्मरण शक्ति को बढ़ाने में भी कारगर होता है। दोस्तों, ये तो चरणामृत के फायदे हैं। आगे हम इस वीडियो में आपको बताएंगे चरणामृत ग्रहण करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चरणामृत ग्रहण करने के बाद बहुत से लोग सिर पर हाथ फेरते हैं। संभव है कि आप भी ऐसा करते होंगे, लेकिन शास्त्रीय मत है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चरणामृत हमेशा दाएं हाथ से लेना चाहिए और श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन को शांत रखकर ग्रहण करना चाहिए। इससे चरणामृत अधिक लाभप्रद होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कुंडली टीवी। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।